नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 944वें दिन क्लास को देख रहे हैं दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते, चाहे आप कहीं से हो और किसी भी एज में हो। अगर आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पा रहे हैं और बिना इंग्लिश के कुछ होने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप अटक रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि भाई भावेश का उच्चारण कैसे कैसे किया जाता है, क्यों ऐसे हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें दोस्तों। सब करते हैं क्या कि जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो बस सब लोग जा समझते हैं कि भाई अल्फ़ाबेट के बारे में उनको अच्छी तरह से पता है, जो कि ये सोच कर वो गलती कर बैठते हैं। एक्चुअली अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड, जी हाँ, इससे संबंधित कोई भी समस्या है, इसका मतलब है कि आप अल्फ़ाबेट से अच्छे तरह से अवगत नहीं, यानी आपने इसका अध्ययन नहीं किया है। दोस्तों ये अल्फ़ाबेट जो है, आप समझिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, 26 लेटर के होते हैं और 26 लेटर की इस अल्फ़ाबेट को जो है दोस्तों ABCD कहते हैं, आप जानते ही हो, जो कि जेड तक है। इसके दो हिस्से हैं, पहला जो पार्ट है दोस्तों उसको वोवेल कहते हैं, या दूसरा पार्ट भी कह सकते हैं, लेकिन वोवेल जो है वो 5 होता है। डबल ओ के साथ जो है इसका कुल उच्चारण करने का जो तरीका है, ये जी हाँ, सो ये जो तरीका है 23 तरह से है। अब देखिए 26 अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स हैं वो 26 हैं, लेकिन वोवेल को सिर्फ 23 तरह से ही, यानी 6 को कर लेते हैं तो 23 तरह से बुला रहे हैं, 3 ही तो कम हो रहा है, अगर इस तरह से समझ रहे हैं। उसके बाद जो बचता है 21 लेटर वो है कॉन्सोनेंट के, लेकिन जब 5 वोवेल हैं उच्चारण 23 तरह से हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 21 कॉन्सोनेंट है और किसी तरह से उच्चारण होगा? नहीं, इसका उच्चारण 41 तरह से हो रहा है। कुल मिलाकर जो है तो 64 जी हाँ, यानी 64 यानी 64 तरह से पढ़ा जा सकता है ये अल्फ़ाबेट। अब बताइए, अगर आपको पता है तो दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते होंगे, अगर नहीं पता है तो दिक्कत होगा। अब ये आप बताएंगे कि आप पहला कौन से कितना लेटर्स जानते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 26 ही जानते हैं तो आपको कुछ नहीं पढ़ने आ रहा है, आप 36 जान रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने आ रहा है, 46 जान रहे हैं तो और ज़्यादा, या 56 जान रहे हैं तो और ज़्यादा, या 64 जान रहे हैं तो और ज़्यादा, इसके अलावा कुछ और पार्ट है। तो आप ज़्यादा ज़्यादा वोवेल और कॉन्सोनेंट, खासकर वोवेल पे अपना फोकस बनाएं। कॉन्सोनेंट तो फिर भी हो जाएगा, 41 है लेकिन ईजी है, लेकिन कॉन्सोनेंट का जो उपयोग करते हैं उसका उच्चारण अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग तरह से हो जाता है। जैसे कोरोना है जो है ना, जैसे डेल्टा आ गया, अब कौन कौन सा वेरिएंट जो है इसका बदलते गया है ना, तो ये जो क्या है उसी तरह से ये काम कर, लेकिन इसका लिमिटेशन है ना। अब देखिए ये जो ए है इसको 4 तरह से, ई और आई को 5, ओ को, यू को 4 तरह से, और डबल ओ को 5 तरह से उच्चारण करते हैं। अब देखिए हिंदी व्याकरण में वर्णमाला है, इसके एकदम हिंदी क्लियर है, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई नहीं बहुत कठिन है, जो चलो है कठिन, इंग्लिश से तो कठिन है, लेकिन फिर भी ये समझ में आएगा क्योंकि इसमें स्पष्टता ज़्यादा है, हिंदी ग्रामर में स्पष्टता ज़्यादा है, हिंदी भाषा में स्पष्टता ज़्यादा है, इसीलिए लिखते समय गलतियाँ कम होती है। हर्षिकार दीर्घकार का होता है तो वो प्रैक्टिस से दूर हो जाता है। अब देखिए ये स्वर है और ये व्यंजन है, स्वर की संख्या 14 होता है, व्यंजन की संख्या 36 होता है, ईजी है। इसके अलावा नहीं कह सकते हैं 50 या कुछ लोग 49 भी मानते हैं, तो कर उससे कोई विवाद नहीं है, जितना भी मान लीजिए। सबसे पहले हम लोग वर्णमाला को ही शॉर्ट आउट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्वर और व्यंजन क्यों जरूरी है। दोस्तों स्वर और व्यंजन इससे जरूरी है कि आप हिंदी के तो जानकार हैं, लेकिन क्या आप अंग्रेजी के जानकार हैं? नहीं। तो ये जो स्वर है, स्वर के नीचे आप अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं वोवेल दिख रहे होंगे, कहीं कहीं कॉन्सोनेंट के भी लेटर आपको दिख जा रहा होगा, तो इसका उच्चारण पहले आप याद कर लीजिए कि जब अगर आएगा तो क्या लिखेंगे, आएगा तो क्या लिखेंगे। तो देखिए अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, छोटी छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ, री के लिए री, आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। अब देखिए यहाँ ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए जी हाँ औ, ए यू, अन के लिए एन, अ के लिए एच। ये वर्णमाला बहुत ही जरूरी है, अगर आप हिंदी भाषी नहीं हैं तो आपको सबसे पहले इसी से शुरू करना चाहिए। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि आप ये तो समझ चुके स्वर ये है, लेकिन क्या आप मात्रा चिन्ह का अंग्रेजी जानते हैं? नहीं। तो दोस्तों मात्रा चिन्ह को भी समझिए,
कि अ का आकार का ये मात्रा चिन्ह है, छोटी कर का इस तरह से होता है, बड़ी कर का इस तरह से, ये छोटी उकार का, ये बड़ी उकार का है, री का इस तरह से, बड़ी री का इस तरह से है। उसके बाद देखिए ई जो है, ई का इस तरह से है, ए एक ऊपर हो जाएगा, आय के लिए दो ऊपर होगा, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, औ के लिए दो ऊपर एक नीचे, अन के लिए ए, और अ के लिए जो है दो बिंदी जो कि आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह से होंगे। दोस्तों आपको जो डायरेक्ट दिख रहा है अक्षर, जो हमारा स्वर है और जो मात्रा चिन्ह, दोनों का अंग्रेजी जो कि सेम ही है, आपको याद रखना होगा नहीं तो दिक्कत होगी। मान लीजिए कि अगर लिखते हैं आम, ठीक है, आम लिखते हैं, आम कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आ है, आ के डबल या सिंगल ए तो ले ही लेंगे, है ना। मान लीजिए डबल ए लेते हैं और म के लिए एम होगा, लेकिन तो व्यंजन से हो गया, आम लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर लिख दिया जाए राम, तब आप देखिए कि आ जो है आकार का चिन्ह यहाँ पर आ जा रहा है ना, आकार का चिन्ह, तो इस तरह से आर लिखेंगे और आकार के लिए ए या सिंगल ए या डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, एम से म होता है, राम लिखा गया इस तरह से, तो मात्रा चिन्ह को याद रखना होगा। अगर मान लीजिए लिखा रहता है रामू, तब क्या होता है, तो यू को आप लिखना होता है आपको, यू, जी हाँ यू लिखना होता, तभी तो पता चलता कि रामू हो गया। तो ये समझ रहे हैं कि क्यों हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए री है, कृपा अगर लिखते हैं, कृपा कृपा लिखते हैं तो क्या करेंगे, के लिखेंगे और री जो है, री का अंग्रेजी होता है आर आई, है ना, तो यहाँ पर आर आई लिख देंगे और पा के लिए पी और ए कर देंगे, क्योंकि तो इसमें ही मात्रा चिन्ह, इसमें ही मात्रा चिन्ह है, तो ये मात्रा चिन्ह आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो शुरुआती है उनको सलाह है, पहले तो पहले ये व्यंजन देख लीजिए, व्यंजन को चूँकि समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में अब देखिए पढ़ने का लेवल क्या होता है, पढ़ाने वाले का लेवल क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसा लेवल होना चाहिए कि सबके लिए एक ही लेवल। अब हर इंसान का सोचने समझने का शक्ति अलग, हो सकता है आप कुछ ज़्यादा समझ रहे हो इससे आगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हो। तो जब स्कूल में या कहीं पढ़ाया गया होगा आपको, तो आपको बहुत सारा चीज़ गैप कर दिया गया होगा, सीधा बता दिया होगा कि भाई ये देखिए क है और इसके बाद ये ख और ये ग, इसी तरह यहाँ पर घ हो जाएगा, ये अंगा हो जाएगा, आपने सीख लिया, ठीक है, सही बात है, क से कबूतर होता है और ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घड़ी और अंगा से कुछ नहीं, इस तरह समझ गया। लेकिन दोस्तों ये आपने कभी भी कोई टीचर ने आपको शायद नहीं बताया होगा, हालांकि इस बुक्स में रहते हैं लेकिन नहीं बताते हैं, अंग या घ ये सब बना कैसे, इस बात को पहले समझिए। दोस्तों 36 व्यंजन होते हैं, यहाँ व्यंजन देखिए 36 है, गिन लीजिए यहाँ पर, और इस 36 व्यंजन में से कोई एक स्वर, स्वर क्या है 14 है, कोई एक स्वर जोड़ देंगे, 36 में से कुछ एक को लेंगे या कोई एक स्वर जोड़ देंगे उसमें, तब हमारा एक अक्षर प्राप्त होगा, तब एक क्या बनेगा, अक्षर प्राप्त होगा, जो कि क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, ये नहीं है, ये सभी के सभी आधे अधूरे अक्षर हैं, ये एक व्यंजन है, उसी का नीचे अंग्रेजी भी लिख दिया गया है, आधा व्यंजन का आधा आधा अंग्रेजी, ये भी कंप्लीट अक्षर नहीं है, ठीक है, जैसे ट ठ ड ण त थ ध ण के लिए टी टी ए डी डी एच एन का इस्तेमाल हुआ और इस तरह से आपको लिख दिया गया, तो आधा आधा अक्षर आधा अंग्रेजी, अगर पूरा अक्षर तो पूरा अंग्रेजी। तो चलिए अब देखिए ये अक्षर कैसे बन गया। तो मान लीजिए आप क ले लेते हैं, जैसे क यहाँ पर मैंने लिया आधा क, व्यंजन को ले लिया, इसमें स्वर मैंने जोड़ दिया अ, देखिए यहाँ पर व्यंजन था, मैंने व्यंजन लिया, कोई भी व्यंजन ले सकते हैं आपको, अक्षर तो सब समझ ही रहे हो हिंदी में है, हिंदी भाषी हैं तो, और स्वर है अ, ले लिए तो क्या बन गया, क बन गया। अब मैंने तो ये नहीं बताया कि भाई क, अब समझ रहे हैं कि क कैसे बना, तो क इस तरह से बना, अगर अगर आ रहता तो यहाँ क हो जाता, अगर ओ रहता तो यहाँ को हो जाता, अगर और रहता तो यहाँ क हो जाता, उसी के अनुसार अगर मान लीजिए अंग्रेजी लिखते तो के से क प्लस औ का ए यू होता है तो क्या होता है, क एक अक्षर हो गया। अगर वा लिखना है कौवा तो वा कर देते हैं कौवा, डब्लू भी कर सकते हैं वी के लिए। तो ये है दोस्तों तरीका लिखने का, समझे। अब देखिए ये याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी, अब शुरुआती ही नहीं है, वॉवेल तो दूर कीजिए पहले आपको, मतलब सॉरी पहले जो स्वर तो दूर कीजिए, पहले आपको तो व्यंजन ही याद रखना होगा, ये याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समानता बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो स्पेशल है, तालाबेश मूर्धन से दंश, इसका उच्चारण यही है। और अक्षत्र इसमें देखिए क्या, दो ये संयुक्त अक्षर है, क और श मिलकर ये अक्षर बना है, त और र मिलकर त्र बना, और जी और ग यानी ग और य मिलकर ग बना, ये क्लियर पता चल रहा है इससे,
ये सब जो क ख के जी जी जो है ये सब अंग्रेजों ने इसको बढ़ाया है बताया है, नहीं तो हम लोग की देन नहीं है, अंग्रेजों का देन है। मान लीजिए किसी का नाम है रमन, चलिए रमन रमन लिखते हैं, रमन रमन में आप देख रहे हैं कि रमन कहेंगे कि रमन है। चलिए मैं आपको दूसरे तरह से नाम लिख के दिखाता हूँ, रमन अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आर ए एम ए एन, रमन, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि मैं लिख रहा हूँ सुमित, सुमित नाम लिख रहा हूँ, आपको पसंद आए तो बताइएगा, स उ ई म त अ, थोड़ी पहले यहाँ म कर लीजिए और यहाँ पर ई कर लीजिए क्योंकि लिखते समय तो हो ही जाता है। ये देखिए मैंने लिख दिया है सुमित, आपको शायद पसंद नहीं आया होगा, किसी का नाम रहेगा तो गुस्सा भी करेंगे, तो उनकी भाव मेरे भावना नहीं है कि भाई किसी को गुस्सा दिलाए, ये सुमित लिख दिया गया। मात्रा चिन्ह का खेल उलट है ना, दिखता है उसके साथ भी है सुमित, यहाँ पर इसी तरह से लिखा गया सुमित। अंग्रेजी अगर नहीं करने आ रहा, किसी को सुमित का अंग्रेजी नहीं लिखने आ रहा तो कैसे लिखेंगे, पहले तो व्यंजन याद रहना चाहिए, तो एस कर देंगे, ऊ का भी याद रहना चाहिए तो यू कर देंगे, म का याद रहना चाहिए तो एम कर देंगे, छोटी का याद रखना है तो आई कर देंगे, त का याद रहना है तो टी कर देंगे, लास्ट में अ लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये सुमित हो गया। सुमित आपको अगर पता है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखते होंगे सुमित, ये सुमित लिखते होंगे, है ना। तो ये कैसे लिख रहा है, आप को एडवांस देखिए, दिमाग तो बहुत ही तेज है, ये एडवांस लेवल में जाके लोग समझते हैं, लेकिन शुरुआती जिनको दम नहीं आ रहा है वो ऐसे प्रयोग कर, कोई भी अक्षर को, जैसे मैं जाऊंगा, बस सिंपल ले रहा हूं ताकि टेढ़ा नहीं हो और समझ में भी आए, मैं जाऊंगा कैसे लिखेंगे, मैं का एम, मैं एम से माँ होता है, आई का क्या होगा ए आई, अब चूँकि बिंदी भी है तो उसका भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पर बिंदी का ध्यान रखते हुए यहाँ पर एन लिखेंगे, तब हो गया मैं जाऊंगा, जे ए जा, ऊ का बड़ी ऊ है तो बड़ी ऊ है तो आप लिखे, लेकिन लिबर्टी ली गई है ना तो इसलिए आप सिंगल भी काम कर सकते हैं, सिंगल भी, लेकिन आप चलिए दोनों तरह से लिख लेते हैं, डबल ओ के साथ भी लिखते हैं, देखते हैं कौन अच्छा लगता है, जाऊंगा, ये को ये गा हो गया लिखने का जाऊंगा, एक यहाँ इस तरह लिखते हैं जाऊंगा, जो भी आपको लग रहा है, आप डबल ए भी लिख सकते हैं, ये सब आपके लिबर्टी पर है, जो क्या चलता है उस पर देखना है, मैं जाऊंगा यही तो लिख रहा है। कोई भी टेक्स्ट मैसेज आप सोशल मीडिया पर देखते हुए लिखा हुआ, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सअप हो, या टेक्स्ट मैसेज करते हो, तो इसी तरह जल्दी से आप मोबाइल उठाते हैं और ऐसे लोग जो है टेक्स्ट को टाइप करते हैं और सेंड कर देते हैं, इसी तरह से। अब हिंदी लिखने का ऐसा लिख भी नहीं लोग पाते हैं कि भाई हिंदी में जो मोबाइल में हिंदी में कैसे टेक्स्ट मैसेज करें, बहुत ही कम लोग जानते हैं आज भी, जी हाँ हिंदी आती है लेकिन मोबाइल पर टेक्स्ट टाइप नहीं कर पाते, यहाँ इंग्लिश कर पाते, तो ऐसे करते हैं। तो चलिए ये समझ गए आप और यूज़ भी समझ गए कि भाई कितना जरूरी है ये स्वर व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट वॉवेल पे तो बात होगी ही है ना, कॉन्सोनेंट पे लेकिन पहले बात कर ले, 41 तरह से है, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा और सिर्फ समझिए कि 41 तरह से नोट भी कर लीजिए। इसलिए यहाँ पर डी को ड द ज बोलते हैं, जैसे एक वर्ड लेते हैं ग्रेजुएट का, ग्रेजुएट में डी को ज बोला गया, यहाँ पर देखिए गॉर्जियस ले लेते हैं, गॉर्जियस, ठीक है, चलिए क्लियर और क्लीन करते हैं आपके लिए, गॉर्जियस, तो देखिए यहाँ पर पहला जी जो है ग के रूप में, दूसरा जी जो है ज के रूप में उच्चारण, गॉर्जियस है ना, जॉर्ज, आर को र भी बोलते हैं, आर को ळ भी बोलते हैं, जैसे गुड़ लिखते हैं आप गुड़, आर को ळ का इस्तेमाल होता है, एस को स बोलते हैं, ज बोलते हैं और ई एस से भी ज होता है, फिर टी को टा तो बोलते हैं, चसा ही बोलते हैं, जैसे टी आई से स होता है। अब देखिए जैसे टी आई ओ एन को सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टी आई एन को सन, या टी आई ए एल को सी एल बोलते हैं, या आप इस तरह देखिए
कि टी यू से च होता है, टी यू से च होता है, जैसे टी यू आर ई को चर बोलते हैं और टी यू ए एल को चुअल बोलते हैं, दो पार्ट है, दोनों अलग अलग मिल गया। तो ये समझिए भी को यानी व के लिए भी है और डब्लू भी है, लेकिन भी को भ भी बोलते हैं। इसके अलावा एक्स को एक्स और एक्स को एक्स भी बोलते हैं, जैसे एग्जाम है ना, एग्जाम में एक्स को एक्स बोला, या एक्सक्यूज देखिए, एक्सक्यूज एक्सक्यूज में एक्स को एक्स बोला गया, हालांकि सिंगल एक्स, लेकिन ये कब, जब ई एक्स रहे तब, जब ई एक्स रहे तब एक्स और एक्स, ऐसे एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स, ओ एक्स को एक्स। लेकिन अब देखिए एक और बात है कि सी को क भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं, स कब बोला जाता है, यहाँ समझिए कि सी आई से स होता है, सी के बाद जब ई है तब स होता है ना। इसके अलावा अगर कहीं भी रहे सी तो सी को क भी बोलेंगे, सी को क बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा सी को क बोलेंगे, के को क बोलेंगे, क के लिए और अंग्रेजी सी ए सी के क्यू क्यू यू ई, जैसे करेक्टर लक में आप देखते हैं एल यू सी के लक, या क्वेश्चन है, क्वाइंट है, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। ये चीज़ आपको समझना होगा। अब स्वर जो व्यंजन आपने देखा था उसमें से भी बहुत सारे आपको लेटर्स ले लेने होंगे और उसको मिला कर मिक्स देखिए मिस हो जाता है, मिक्स मैच, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है समानता नहीं रहेगी तो फिर एक जैसे बात को कैसे समझेंगे, इसे ज़रूरी भी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जो आज का जो ये टेक्स्ट देखिए, ये टेक्स्ट जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड ऐसा पार्ट्स ऑफ वर्ड है जिसके थ्रू आप कोई भी वर्ड मीनिंग को पढ़ पाएंगे। आपको कुछ नहीं आता है, दम नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो टेक्स्ट अगर ये जो पार्ट्स है इसको याद कर लेते हैं, चूँकि तीन स्लाइड में है ये पार्ट्स, तो आपको पढ़ना बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे जो बगल में क्या लिखा हुआ, टी आई एल लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे तो सन पढ़ेंगे। ये जो लिखा हुआ टी आई एल, इसको क्या पढ़ेंगे तो सी एल। इसको याद रखना कि इसको चर पढ़ते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको चुअल पढ़ते हैं, ये जो लिखा है इसको प्रो पढ़ते हैं। देखिए अगर आपको पता रहता कि टी आई एन को सन बोलते हैं तो आप ये समझ जाते कि सन है, तो ये क्या है, ने है, नेशन। मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा तो वोवेल के थ्रू पकड़ेंगे ना भाई कि न एक उच्चारण कितने चार तरह से होता है ना, एक उच्चारण चार तरह से होता है, तो न बोलेंगे, ना बोलेंगे, ने बोलेंगे, नए बोलेंगे, सब बोल के देख लेंगे, नशन नाशन नेशन नेशन। आपको क्या लगता है नेशन, तो नेशन हो जाएगा क्योंकि आपने सुन रखा है पहले से बहुत सारे वर्ड जो कि चल रहा है। ऐसा नहीं आपके इर्द गिर्द बहुत सारे वर्ड्स उच्चारण हो रहे हैं, हमेशा आप ध्यान कम देते हैं इसलिए। अब जैसे ई एन को एन बोलते हैं, जैसे ई एन के पहले अब टी लगा टेन, एम लगा मेन, एस लगा सेन, जो भी वोवेल कॉन्सोनेंट डाल दीजिए उस तरह ढल जाएगा। अब देखिए टी आई एल को यहाँ सी एल बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, एस लगा सेन हो गया, सी एन को कन बोलते हैं तो यहाँ एन हो गया कन, और ई आर के साथ एम लगा, ई आर के पहले एम लगा तो यहाँ पर हो गया मोर। उसी तरह देखिए ई आर के पहले टी लगा हो गया टर, सी एन को कम बोलते हैं एक पार्ट हो गया, तो दो पार्ट हो गया, दो पार्ट से यहाँ बन गया। प्यू तो पढ़ ही लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर टी यू आर को चर बोलते हैं, एक चर हो गया, टी यू एल को चुअर बोलते हैं ना, देखिए पी आर को प्रो बोलते हैं, और देखिए एस आई एन को सन भी बोलते हैं, जन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर एस आई एन को जन पढ़ा गया और यहाँ पर जो एस आई एन है इसको सन पढ़ा गया। हालांकि एक इन भी है, एक टर भी, दो पार्ट या तीन पार्ट से बना है। अब देखिए अर को, यहाँ पर अर है तो अर है तो डब्लू लगा तो वर हो गया, और टेंट देखिए यहाँ टेंट है, इम है इम्पॉर्टेंट, अल है तो इसको देखिए एल ए एल को अल बोलते हैं, उसके बाद टी एन को सन बोलते हैं, उसके बाद ई एल हो गया रेडियल, लॉजी हुआ तो क्या हुआ इकोलॉजी, इको हो गया लॉजी, दो पार्ट हो गया। उसके बाद टिब है तो एक्टिव हो गया, सिब है तो देखिए सिब को लिए क्या हो गया सिब, यहाँ पर सिब हो गया, एच ई एन को हैन बोलते हैं, दो पार्ट हो गया, प्री हो गया एक पार्ट हो गया, कम एक पार्ट हो गया, चार पार्ट से वर्ड बन गया कॉम्प्रीहेंसिव है ना। यहाँ ए सी एक पार्ट है, इज देखिए आए इसको इज बोलते हैं, तब याद कीजिए इसको, याद कर लेंगे तो इंग्लिश बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। टी आई ई को सी ए बोलते हैं, टी ई डी को टेड बोलते हैं। तो दोस्तों करना क्या है कि वर्ड मीनिंग जब दिख जाए ना तो उसको देखिए, गॉड्स देखिए कि कहीं कोई पार्ट है क्या, आप जो याद करेंगे आपको समझ में आएंगे ए एन सी पार्ट तो है, तो टी लगा तो टेंस हो गया, ए आई एम पार्ट है इम हो गया, या ई एन सी फिर से है तो एस लगा तो यहाँ सेंस हो सकता है, जेंस हो सकता है, ऐसे याद रखना होगा। पी आर ई को प्री बोलें या प्रे बोलेंगे, हित बोलेंगे, ए एन को एन बोलेंगे, यहाँ ए एन को एन बोलते हैं, एम लगा मेन, ए आर लगा रेन, तो ये सब क्या है आप पहले खोजिए, कोई वर्ड को देखिए तो बहुत ही संदिग्ध स्थिति में जाएगा, लगे कि कोई उस वर्ड ने कुछ आपका कोई पार्ट जो है जो है बगल में लिखा है उसको चोरी कर लिया, ऐसा आप इसको इतना गौर देखिए। जैसे एज है, मैं देख रहा हूँ, अरे भाई एज जो है मेरा ही एज है, इसको आप
अपनी संपत्ति मानिए, जी हाँ कह सकते हैं इसको अपनी संपत्ति मानिए, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है ये आपकी संपत्ति हुई। अपने संपत्ति पे आप देखें कि कोई कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया, ऐसा है कि हर एक वर्ड में आपको ये रिपीटेशन इसका मिलेगा। दूसरा पार्ट देखिए आओ, जैसे यहाँ देखिए ओ डब्ल्यू को क्या पढ़े, ओ भी पढ़े आओ भी पढ़े, अगर एल है तो लो पढ़ेंगे, एन है तो नो पढ़ेंगे, है ना, नो नहीं नाव पढ़ेंगे, तो लो नाव, अगर यही के जोड़ देते यहाँ पर तब ये फिर नो हो जाता, यानी रूप बदल रहा है ना, ओ डब्ल्यू एक बार आओ हो गया, एक बार ओ हो गया, एक बार लो हो गया, है ना। यू एस यू आर को श्योर बोलते हैं, तो यहाँ श्योर हो गया, कहीं कहीं एस यू आर को जर भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा जैसे लेजर वगैरह में। उसके बाद देखिए ए वाई को क्या बोलते हैं, ए, अब ए वाई ए है एस लगा से, ए यहाँ पर एम लगा मे, यहाँ पर पी लगा पे, यहाँ पर ए लगा डी लगा डे, अगर आर ए वाई के पहले आर लगा दे तो रे हो जाता है। ट्री को देखिए, तो एक वर्ड है ट्री, कौन एक वर्ड यहाँ पर कन, कंट्रीब्यूट, अगर डी कर देंगे तो कंट्रीब्यूटेड हो जाएगा। एट है, तो एट है सभी जगह एट देख रहे हैं, टी एच लगा तो डैट हो गया, सी लगा कैट, आर लगा रैट, एम लगा मैट। इको को देखिए यहाँ पर, इकोलॉजी, इको हो गया, लॉजी दो पार्ट से बना है। तो चलिए पहले सबको देख लीजिए, और दोस्तों तो ताकि स्क्रीन शॉट ले लें, क्लीन रहेगा तो ज़्यादा क्लियर रहेगा और ज़रूरी भी है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि मिस मैच मतलब बुरा लिखा रहता है तो समझ में लोगों को नहीं आता। जैसे देखिए एट ई एट है, है ना, तो एट उसका उच्चारण बोलेंगे, तो एट के पहले एम लगा मेट, एट के पहले आर लगा रेट, एट के पहले सी लगा केट हो गया, ई आर एन कौन बोलते हैं, तो सी यून कन एक पार्ट होता है, ई आर एन जो है सी के साथ लगा तो सर्न हो गया, अगर टी रहता तो टर्न हो जाता, अलग अलग बबल का अलग अलग उच्चारण। ए डबल ए के उक बोलते हैं, लगा लुक हो जाता है, टी लगा टुक हो जाता है, एल वाई को ली बोलते हैं, ली हो गया, और देखिए सी ओ को हो गया, और टी एन को सन बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, तो ओपे ओपेरेशन, हालांकि ई आर के जोस्ता नहीं यहाँ पर आई एन जी विंग बोलते, कोई भी एक्शन वर्ड में लास्ट में आई एन जी जोड़ दीजिए वो बन जाता है एक्शन, वी फोर वर्ब फोर, है ना, कंपनी कमिंग गोइंग डांसिंग रनिंग। अब देखिए सी को स बोलते हैं, तो यहाँ सी है, स को चन हुआ। अब यहाँ देखिए पी आर को बोलेंगे प्रे भी प्री भी, और तो देखिए प्रीफिक्स हो गया, तो पहला प्री हो गया यहाँ पर, अप्रिसिएट हो गया, या प्रेजेंट लिखिए प्रेजेंट, तो पी आर को प्रे बोलते हैं, वो इसको अस बोलते हैं, तो यहाँ देखिए अस है, ढूंढ लिया मैंने, सी एन कन बोलते थे, ये भी पार्ट हो गया, तो टी न्यू ही पढ़ना था, कंटिन्यूस। अब देखिए कल है, तो मैंने देख लिया कल तो है, चर भी है, कल्चर हो गया। आइट को बोलते हैं, एफ लगा फाइट, आर लगा राइट, एन लगा नाइट, एक को एक बोलेंगे, और ये देखिए सेस हो गया, एक्सेस हो गया, लिया लेस हो गया। आप एन ई एस भी देखेंगे, है ना, ई एस कई लेटर से जुड़ता है, डी के साथ भी दिख जाएगा आपको, डी ई डबल एस। उसके बाद ये साइलेंट लेटर वाला है, एल है, तो इसमें वॉक में एल साइलेंट है, ओ एन जी ऑंग है, तो ऑंग दी केस लगा सॉन्ग, ए एम लग गया तो अमोंग हो गया, एल एम को देखिए तो यहाँ काम हो गया, डी जी में जो है डी जो है साइलेंट हो गया, जी एन में, जी एन में जो है जी साइलेंट हो गया, है ना, जी, तो उच्चारण है इस तरह से। उसके बाद एक और देख लीजिए दोस्तों, जैसे ई एन टी है, आर लगा टी लगा टेंट, आर लगा तो रेंट, अगर आप बना दीजिए एन एन ई एन टी नैन, टी एन टी टेंट, पी एन टी पेंट, कई वर्ड पेंट भी कर सकते हैं, पी ई एन टी पेंट उच्चारण में। अब ऑन से ऑनलाइन हो गया, ऑन गोइंग हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड बनेंगे। ई एम को क्या बोलते हैं, ई एम एम्प्लॉयड, एम एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड। ओ एन ई को वन बोलते हैं सिंगल, लेकिन इसके पहले अगर वॉवल कॉन्सनेंट रहा है उसके अनुसार ओन उच्चारण होगा, जैसे डी आर ओ एन ई ड्रोन, पी आर ओ एन ई ट्रोन, और टी ओ एन ई टोन, अगर एस लिख दें तो स्टोन हो जाएगा। एबल है, तो मान लीजिए टी लग गया, टी के पहले एबल के पहले टी लिख दें टेबल हो जाएगा, आर लिख दें रेबल हो जाएगा। भैया देखिए कम एक पार्ट है, फो एक पार्ट है, टेबल एक पार्ट, तीन पार्ट एक वर्ड बनाया कंफर्टेबल। ई ए को ई बड़ी कहते हैं, जैसे एल एल ई ए के लिख, टी ई ए टी। उसके बाद डिस है, तो देखिए डिस पर प्रीफिक्स पार्ट होगा, कम एक पार्ट हो गया, फो एक पार्ट हो गया, अगर कम डिसकम्फर्ट अगर इसमें एबल जोड़ दीजिए तो देखिए और पार्ट बढ़ गया, है ना, एबल डिसकम्फर्टेबल। चार जन है, तो एक री पार्ट है, एक जन पार्ट है, रीजन। उसके बाद कर क्योर, तो प्रोक्योरमेंट। ईवल देखिए, तो सेंसिबल, तो ई एन के पहले एस है तो सेन हो गया, और ईवल के साथ एस के साथ ईवल जुड़ा हुआ तो सीवल हो गया, तो सेंसिबल। उसके बाद इम देखिए, तो इम पार्ट हो गया और एंस पार्ट हो गया, एल के साथ जुड़ा हुआ तो लेंस हो गया, तो इम बैलेंस। ई एक्स को एक्स बोलते हैं या ई एक्स को एक्स बोलेंगे, क्या हो गया, एक्स
एक्सचेंज, यहाँ एक्सचेंज, यहाँ एग्जाम, दो अलग अलग उच्चारण अलग अलग तरह से हो रहे हैं। दोस्तों ये था, अब देखिए एक टेक्स्ट को लेते हैं। सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, सीधा आप तेजी में रहते हैं, लगता है कि भाई आज ही से पढ़ना शुरू कर दें, तो ऐसा कम होता है अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो दिक्कत नहीं होती। लोग मिला मिला कर पढ़ते हैं, लेकिन जब जो जानकार हो जाते हैं ना वो सिर्फ देख कर पढ़ते हैं। पढ़ने का यही तरीका है, हिंदी हो इंग्लिश हो, देख के पढ़ा जाता है ना कि पढ़ कर पढ़ा जाता है, तभी आपकी स्पीड बनेगी अगर देख के पढ़ना सीखेंगे। उसके लिए क्या होगा कि आप अधिक से अधिक पार्ट्स, आपको पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसको याद रखें, तभी ऐसा होगा। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो आपकी आपकी समस्या है हिंदी। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले आजकल गाँव में भी इंग्लिश मीडियम में लोग पढ़ रहे हैं, तरीका अगर सही से, अगर वो अच्छा से पढ़ ले रहा है बच्चा और पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं अगर कर पाए, नहीं मेहनत किए हैं तो दिक्कत है। मेहनत देखिए आप ही करना है। मैं बता दूं कि भाई पार्ट्स ऑफ वर्ड किस तरह से काम करके, मान लीजिए मैंने वो लिस्ट याद कर लिया था, ठीक है, लिस्ट याद करने के बाद मैंने सोचा कि भाई क्यों ना यहाँ पर अपना चोरी हुआ पार्ट टू खोज लूँ, तो मैंने देखा कि भाई ई एस है यहाँ पर, भाई सी के साथ है, सेस है ना, टी वी आर चर है, अरे ये भी पार्ट चोरी हो गया है मेरा, अल पार्ट चोरी हो गया, यहाँ पर सन पार्ट चोरी हो गया, मैं खोज रहा हूँ सिर्फ एक पार्ट चोरी हो गया, यहाँ अर हो गया है अल, दोनों पार्ट चोरी हो गया, यहाँ पर यहाँ ई एल चोरी हो गया मेरा, अरे इस तरह से आप सोचिए कि आपका कुछ चोरी हो गया, जैसे ई एल ई आर एन है ना, तो टी के साथ लग गया तो अर्न ही है, टर्न हो गया चोरी मेरा, सभी जगह मिल जाएंगे है ना, यहाँ टेड चोरी हो गया, यहाँ डिश चोरी हो गया, आपको लगेगा अरे भाई ये कैसे, सब तो चोरी कर लिया इसने। तो जब चोरी हो गया है तो उसको पहले याद कर लीजिए, अगर आप पार्ट्स ओवर इस तरह से याद कर लेते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा, उसके बाद तेज़ी से पढ़ पाएंगे। चलिए इंडिया इज फॉर ट्यूनेट, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक रूप में हो गया, टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिएंट मिनरल्स, ई आर को अर लगा, एन लगा नर हो गया, और ए एन लगा आर के साथ रल हो गया, दो पार्ट हो गया अर एक अल, मिनरल री सोर्सेस। देखिए हाउ एवर डीज आर अन इवेनली एल वाई हो गया, देखिए डिस्टी ट्री भी है, ब्यूटेड ब्रॉडली ब्रॉडली एल वाई यहाँ भी हो गया, मिल गया आपको स्पीकिंग ई ए है ना, यहाँ मिल गया ना एस पी किंग, दो पार्ट यहाँ मिल गया, ई एन है, पी लगा पेन हो गया, पेनी तो आई जुड़ गया पेनी, पेन इन सूलर रॉक्स, देखिए कनेक्ट पार्ट है, और ए आई एन पार्ट है, टी के साथ लगा तो टेन हो गया, कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ सील। अब देखिए मेटालिक आई इक है, मेटालिक मिनरल्स माइका एंड मेनी अदर अदर हो गया, नॉन मेटालिक मिनरल्स सेडिमेंटरी सेडिमेंटरी रॉक्स ऑन द वेस्टर्न, ई एस टी है पार्ट है हमारा, W के साथ लगा तो वेस्ट हो गया, और ई आर एन भी पार्ट है हमारा जो T के साथ लगा टर्न हो गया, दो दो पार्ट से जो कि मिसमैच नहीं ज्वाइंट नहीं होगा तो फिर तो अलग अलग उच्चारण हो जाएगा ना, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात हिंदी। स्वर और व्यंजन का अगर जानकारी नहीं है तो आप हिंदी के शब्दों को जो अंग्रेजी में लिखा रहेगा वो नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए गुजरात असम है ना, आसाम लोग बोलते हैं, असम बोलते हैं एक्चुअली, आसाम में असम होता है चलो उच्चारण, हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम यू एम को हम बोलेंगे, डिपॉजिट्स एस को जा बोलते हैं डिपॉजिट्स राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ द पेनी पेनिनसुला हैज रिजर्व ऑफ मेनी नॉन फेरस ओ यू उसको बोलते हैं वन नॉन फेरस मिनरल्स द वास्ट एल्यूवियल प्लेन्स ए एन को एन बोलते हैं प्लेन्स हो गया ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवॉइड अब ओ आई को ओई बोलते हैं ओई तो डिवॉइड ऑफ इको पार्ट हो गया इकोनॉमिक मिनरल्स दीज वेरिएशंस एग्जिस्ट देखिए ई एक्स मिल गया एग्जिस्ट लार्जली एक ली भी मिल गया विकाउज बिकॉज ऑफ द डी फे रेंस में देखिए आग लगा डिफरेंसेस इन द जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखिए प्रो हो गया प्रोसेसेस एंड टाइम
इन्वॉल्व्ड इन द देखिए फॉर्मेशन सन को यहाँ देखिए ऑफ मिनरल्स। इस तरह से दोस्तों आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब चलिए ये है दो वर्ड्स वाले जो कि 10 लेटर वाले वर्ड्स है, देश दुनिया में बोले जाने वाली है ये वर्ड्स है। जैसे लिक्विड, लिक्विड तो आप जानते हैं इससे अंग्रेजी वर्ड है, इसके साथ जर लग गया था लिक्विडाइजर, लिक्विडाइजेज, लिक्विडनेस देखिए अलग से है, लिक्विड्यूसेज, लिक्विफाइंग, लिकराइस, लिकोरिसेस, लिस्बोनाइट्स, लिसियन, लिसियंथस, लिसिनोप्रिल, लिसोम, लिशोम, लिशोमनेस, एन ई एस को नेस बोलते हैं, लिशोम नेस हो गया। अब देखिए एबल है, एबल जो है इनके साथ जुड़ा तो नेबल होता है, लिशन एक वर्ड है और इसके साथ एबल जुड़ गया लिशनेबल। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिस्टराइज्ड, लिस्टराइज्ड, लिस्टराइजेज, यहाँ देखिए लिस्ट, लिस्ट लेसली, एक ही एक तो ये पार्ट है कि ये पार्ट है लिस्ट लेसली, लिस्लेजेविस्किस, लिच फील्ड, लिट ने नेसेस, लिटर लिटरेसीज, लिटरलाइज, लिटरलिज्म। इस तरह से बोलने में भी तो दिक्कत होता है, तो हमारे साथ बन बोलते रहें, अगर दिक्कत होता है बोलिए, मेहनत अगर अपना समय कीमती दे रहे हैं तो बोलिए, सुनिए नहीं बोलिए। सो लिटरलिस्ट प्रैक्टिस, ये जो पूरा वीडियो है प्रैक्टिस ही है हमारा लिटरलिटी, ताकि आप प्रैक्टिस करके सीख जाए। दूसरा देखिए लिटरल लाइज, लिटरल रिली, लिटरे देखिए लिटरेट ली, उसके बाद लिटरेच, नेक्स्ट है लिटरेशंस, लिटरेटर्स, और यहाँ है फिर से लिटरे टूअर, टूअर लिटरेचर, ये हो गया लिटरेचर, लिटरोसिटी, लिथरनेस, लिथिफाइंग, नेक्स्ट देखिए लिथी, लिथिस्टिट्स, लिथोक्लास्ट, लिथोक्लास्ट, लिथोसिस्ट्स, सीस्ट्स, लिथोसिस्ट्स, उसके बाद लिथो क्लिफ, लिथोग्लिफ, ये ग्लिफ है, लिथोग्राफ, लिथोलेट्री, और है लिथोलॉजिक, ये कहा गया यहाँ पर लिथोमेंसी, मैंसी, लिथोमेंसी है, और लिथोमाज, नेक्स्ट है लिथोफेन, लिथोफी, लिथोफीसा, देखिए लिथोफेन, लिथोफीसा। तो दोस्तों आगे बढ़िए और वॉवेल्स पे प्रयोग करिए। वॉवेल्स क्या है, ए जो है, ए को आप अकेले कहीं भी दिख जाए तो ए पढ़ दीजिए, अ भी लोग पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि बोला भी जाता है, लेकिन इंग्लिश में तो ए ही बोलेंगे, अ क्यों बोलेंगे। अब जैसे मेडल में जब यही वर्ड सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, यही वर्ड जब अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग उच्चारण हो जाते हैं, जैसे मेडल में ए को क्या बोल रहे हैं, ए थोड़ी अ बोल रहे हैं, मास में ए को आ, मेड में ए को ए, और मैन में ए को ए बोल रहे हैं, अलग अलग तरह से बोला गया है। या ई देखिए, सिंगल ई है लेकिन यहाँ पर ई लिखा हुआ है, लेकिन अ और आ और ए भी बोलते हैं, लोग ध्यान देते कहाँ, अब जानते हैं तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि भाई मैंने अ पढ़ा, आ पढ़ा, ए या ए पढ़ा, है ना। वाटर सभी लोग जानते हैं, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि ई को ए ए बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं, अ वाटर में अ बोल रहे हैं, आपने ध्यान दिया कि पेन में ई को ए बोल रहे हैं, पीस में ई को बड़ी बोल रहे हैं, और सी के साथ जो ई लगा हुआ है उसको अ बोल रहे हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अगर ध्यान देते तो दोस्तों जाहिर सी बात इस तरह मिलते जुलते और भी वर्ड्स पे आप ध्यान देते हैं, आपको पढ़ना आता है। अब देखिए आई को क्या क्या है, आई को भी ई के रूप में जानते हैं, हालांकि यहाँ आई का उच्चारण इस तरह से होता है, पिन में आई को बड़ी छोटी, टायर में आई को आई बोला गया, सर्कल में आई को सर्कल का जो सी के साथ जो आई है वो आ के रूप में, अगर सी के बाद जब ई भी रहता है तब भी तो आ ही बोलते हैं, लेकिन ई तो यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आपने देखा ही, तो यानी कि ई भी अ है, आई भी अ है,
उसके बाद देखिए ओ, ओ को क्या क्या बोलते हैं, ओ को अ आ उ और ओ बोलते हैं, जैसे एस डब्ल्यू एम एस ओ एम ई सोम में सोम पढ़ेंगे क्या, सम पढ़ेंगे, सम में ओ का उच्चारण क्या करेंगे, अ आ उ ओ दोस्तों अ करेंगे सम। उसके बाद अबाउट में ओ का उच्चारण आ करेंगे, अबाउट टू में ओ का उच्चारण उ करेंगे, टोन में ओ का उच्चारण ओ करेंगे। उसके बाद यू को सिंगल यू को यू बोलते हैं यू, लेकिन वर्ड मीनिंग में अ आ उ यू तो है ही, ब्यूटी बट में यू को क्या बोलते हैं अ बट, ये सब किसने बोला, अंग्रेजों ने बोला कि ब्यूटी बट अ ब्यूटी पुट, मैंने तो नहीं बोला, अगर जो जैसे बोलते हैं उनको वैसे ही सीखना चूँकि उनकी भाषा उनके हिसाब से सीखेंगे। ट्यून में यू को यू बोला गया। डबल ओ को क्या क्या बोलते हैं, डबल ओ को इसको अ आ उ ओ है ना, और ओ बोलते हैं, जैसे एस डब्ल्यू एन सून में डबल ओ को उ बोला गया बड़ी ऊ, और एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ को क्या ऊ बोला गया, नहीं फ्लड अ बोला गया, और एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर में डबल ओ को क्या बोला गया, ऊ या अ नहीं फ्लो फ्लो यानी ओ बोला गया। तो ये था। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनी सैंड इंग्लिश यूट्यूब सर्च में या गूगल पर टाइप कीजिए, सारे वीडियो को इंग्लिश में, वीडियो की संख्या 1.1 के है। अगर आपको शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखना है या शुद्ध शुद्ध लिखना सीखना है या फिर बोलना सीखना, सब कुछ सीखेंगे तीन स्टेप्स, तो ना तो ग्रामर स्किप करो ना मोटिवेट सही करना है, बस एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी पर हमारे बताए हुए निर्देश का पालन करते हुए लिखिए। आप लिखते समय बोल बोल कर लिखेंगे, जिससे दो कामों का लिखने भी आएगा बोलने भी आएगा, रूल रेगुलेशन भी याद हो जाएंगे, कुछ सारे रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट किए गए हैं। अब देखिए अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे, ये देखिए। तो दोस्तों कुछ प्रैक्टिस तो बनता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। अगर प्रैक्टिस तो मैं जो बताया मैंने प्रैक्टिस किया आपके सामने, कुछ प्रैक्टिस आप पीछे में करना है, जैसे कि आपको क्या करना है, यही मैंने वर्ड्स कलेक्ट किए हैं ए आई ओ यू से वोवेल्स के, आपको जो है 200 ऐसे वर्ड मीनिंग याद करने हैं जिसको आप पहले से जानते हो, यानी कि लिखना उसका स्पेलिंग जानते हो और उसका उच्चारण करेक्ट जानते हो। ये नहीं कि कंपनी के कंपनी बोल रहे हैं या साल्ट को सलाट बोल रहे हैं या केयर को कारे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, जो करेक्ट उच्चारण आप जानते हो वैसा, अगर करेक्ट उच्चारण करेक्ट स्पेलिंग जानते हैं तो आप 200 वर्ड ले लीजिए और 10 दिन तक 20-20 वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों 11वें दिन वैसा ही वर्ड जो कि आज तक आपने उच्चारण किया, ऐसा नहीं कि मैंने, अगर अननोन वर्ड को जो आज तक आपने वर्ड सुना नहीं उसको भी पढ़ना सीखना चाहते हैं और उसका स्पेलिंग याद करना चाहते हैं तो अब क्या हर एक वर्ड को दुनिया के जितना वर्ड है आप सब याद करते चले तो ज़िंदगी निकल जाएगा। कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि भाई एक बार पढ़ लें और अच्छे से पढ़ पाएँ और इसका स्पेलिंग भी याद कर लें, तो इसलिए ये तरीका बताया है मैंने। और 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि कैसे किसी वर्ड को पढ़ा जाता है और उसका स्पेलिंग याद किया जाता है। जैसे कंपनी में ए को क्या पढ़ते हैं, कंपनी में ए को आ पढ़ते हैं, ऐसे ही खोजना है, सॉल्ट में ए को आ पढ़ते हैं, तो करना ये है कि आप एक साथ सभी वोवेल्स को फॉलो करेंगे, जैसे कि ओ को अभी पढ़ेंगे ए का ही पढ़ेंगे, देखेंगे क्या उच्चारण हुआ, जैसे कंपनी में ओ को अ उच्चारण ही हुआ है, या केयर में ए को क्या बोलते हैं, केयर में ए को ई और ई को अ बोलते हैं, मैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, परफेक्ट में दो ई है तो पहला ई का उच्चारण जो है पहला ई जो है अ के रूप में, अ के रूप में दूसरा ई जो है फेक्ट वाला वो ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में जो ई है तो छोटी बड़ी कहने में कोई दिक्कत नहीं होता लेकिन लिखने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। टेन में जो ई का उच्चारण यही के रूप में हो रहा है। एस आई आर सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, फिग में आई का उच्चारण देखिए छोटी टीन में आएगा बड़ी ई, मैंने लिखा है जो इस तरह से लिखा जाता है, नहीं तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। अब लाइन में आई का उच्चारण क्या होता है, आई के रूप में एस इंसान में वो क्या पढ़ते हैं अ पढ़ते हैं, आउट में वो क्या पढ़ते हैं तो आ, उसके पी आर ओ प्रूव में डबल ओ को सॉरी ओ को सिंगल ओ को उ, और मोटो में डो ओ है एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ ही हो रहा है। ब्यूटी बट में यू को आ बोला जाता है, पुट में यू को दोस्तों उ बोला जाता है, और ट्यून में यू का उच्चारण ई यू हो रहा है। इसके अलावा एफ एल डब्ल्यू डी फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण अ हुआ, और लुक में डबल ओ का उच्चारण दोस्तों उ हुआ। तो इसी तरह दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, अब प्रैक्टिस कीजिए गारंटी है आपके पढ़ने की। जी हाँ दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाले जिसका नाम है ओमनीसेंट। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में रहने के धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद सर।